होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये डिफिनेशन बता दिया था क्या होता है बग, क्या होता है डीबग, ठीक है। अब एरर्स आपका है टाइप्स ऑफ एरर, सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर, लिंकर एरर, लॉजिकल एरर एंड सिमेंटिक एरर, सारे को हम दिखाएंगे। इसमें से कुछ क्यू बेसिक फॉलो नहीं भी करता है, कुछ सी प्रोग्राम फॉलो करता है, तो सी में भी हम दिखा देंगे, क्योंकि ये जो पीएलडीटी आप पढ़ रहे हैं वो क्यू बेसिक के लिहाज से नहीं पढ़ रहे हैं। ये ऐसा चीज है जो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो सिंटेक्स एरर तो सब समझ रहे हैं, सिंटेक्स एरर में होता है कि जो भी चीजें आप प्रोग्राम्स में पढ़ेंगे उसका एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है ना, और उस सिंटेक्स को फॉलो करके ही आपको कोडिंग लिखना होगा। क्या लिखना होगा? कोडिंग लिखना होगा, क्लियर है। तो सिंटेक्स मतलब मैंने बताया है कि सिंटेक्स मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश में आप स्ट्रक्चर यूज करते हो तो वहां पर प्रोग्राम में उसको क्या बोलते हैं, सिंटेक्स। और हर चीज का सिंटेक्स मैं बताऊंगा कि ये फलाने चीज पढ़ रहे हैं इसका सिंटेक्स ये है, इसको ऐसे यूज करना है। तो वो अगर मिसिंग कर देंगे, कहीं कॉमा देना है वहां पर दो वेरिएबल के बीच, अब कॉमा मिसिंग कर देंगे तो क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और इसको एग्जांपल मैं सी में बता रहा हूँ, क्या पर बता रहा हूँ, सिर्फ एरर आपको देखना है। तो देखिएगा एरर, नेक्स्ट अब चलते हैं, तब तक इसको ओपन होने दीजिए। नेक्स्ट आता है रन टाइम एरर, क्या आता है, जैसे प्रोग्राम को आप लिखने के बाद प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं, क्या कराते हैं, रन कराने मतलब कि प्रोग्राम आपको हाई लेवल लैंग्वेज से किस में जाता है, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में, है ना। तो आपको अगर प्रोग्राम में एरर है तो प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, वो सीधे बता देगा आपको कि प्रोग्राम क्या है, एरर है। तो फिर आप एरर फ्री करोगे प्रोग्राम को, और फिर से उसको क्या करोगे, रन करोगे, तब जाके आपको रन करेगा। रन टाइम एरर में क्या होगा कि प्रोग्राम आपको कंपाइल्ड कर जाएगा, इंटरप्रेट कर जाएगा, लेकिन आउटपुट सही नहीं देगा, वो हो गया क्या आपको, रन टाइम एरर, ठीक है। तो आइए दोनों मैं दिखाता हूं कि क्या होता है रन टाइम एरर और क्या होता है ये। दिख रहा है स्क्रीन पर, थोड़ा बड़ा कर देना लाइट, थोड़ा एक आध दो ऑफ कर दीजिए आगे का। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ नहीं देखना है कि क्या है, है ना, क्योंकि आप सी नहीं पढ़े हैं और कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, तो सिर्फ हम बता दें कि यहाँ यहाँ जरूरी है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कुछ लाइन नहीं समझना है आपको, मैं बताऊंगा खुद। इसको पहले सेव कर देता हूँ, ठीक है। दिख रहा है सारे को, नहीं दिख रहा है, अच्छा वो लाइन थोड़ा सा नहीं दिखेगा, ये लाइन दिख रहा है, हाँ तो वो लाइन थोड़ा कलर ही उसका ऐसा होता है ना, वो नहीं दिखता है। तो यहां पर आप देखिएगा a इक्वल्स टू 10, सर आपका ना वीडियो दिख रहा नहीं है, आवाज आ रहा है सर, माइक म्यूट है सर आपका, सर निकल गए, सर नहीं है, आ गए सर, सर क्लास में नहीं है, चले गए है भाई, चलो म्यूट हो जाओ, वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, यस सर, म्यूट हो जाइए, जितने लोग जुड़े हुए हैं म्यूट हो जाएंगे। चलिए तो प्रिंट यहाँ पर कर रहे हैं, म्यूट है सर, क्या हो जाएगा, नहीं आया, फिर से ऑफ करके ऑन करो।
अब तक करो थोड़ा सा वेट कर लेना। नहीं ऑन हो रहा क्या? तो आप कनेक्ट हो जाएंगे। क्लासेस कनेक्ट हो गया सर। क्या हो रहा है? चलिए तब तक स्क्रीन पर आप देखेंगे ना सर। बोल कर लिखिए सर, कार्य लिखे है सो। यहाँ अभी सिर्फ समझना है, आउटपुट देखना है। इस एक लाइन का भी कोडिंग नहीं समझेंगे, पहले ही मैंने डिक्लेरेशन दे दिया है, ठीक है। इस पॉइंट को सिर्फ समझना है कि क्या एरर होता है। ये लाइन का एक भी लाइन आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये सिर्फ देखना है। अभी यहाँ पर देखिए, मैंने प्रोग्राम लिखा है और मैंने देखिए सिंपली क्या किया है कि एक वेरिएबल लिया है ए, म्यूट हो जाएंगे। ए में वैल्यू लिया है क्या 10, और फिर ए को क्या किया है प्रिंट किया है वैल्यू इक्वल टू क्या 10। तो देखिए आउटपुट आया वैल्यू इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये देखिए एरर क्या होता है, जैसे इस प्रोग्राम में ये कंफर्म है कि जो भी लाइन एंड करेगा उसके बाद सेमी कॉलन देंगे। इस सिंबल को क्या कहते हैं? सेमी कॉलन। सबको याद है ना सिंबल को क्या कहते हैं? अब हम किसी लाइन में गलती से छोड़ दिए तो अब प्रोग्राम रन करना चाहिए नहीं ना, एरर देगा। देखिए रन करेंगे इसको, एरर दे दिया रेड कलर का, देखिए आउटपुट नहीं दिया, सीधे दे रहा है एरर एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर प्रिंट। यानी कि इस लाइन में क्या है, प्रिंट के पहले क्या है एरर है, समझ गए। तो ये हो गया क्या सिंटैक्स एरर। क्या है अब सिंटैक्स एरर में, सिंटैक्स में बता दिया गया है कि हर के बाद सेमी कॉलन देना है, ठीक है। जैसे हमने बताया सिंटैक्स एरर में, जैसे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ध्यान देना है कि जो भी लाइन टर्मिनेट होगा एंड होगा उस लाइन के अंत में क्या होगा सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन हमने छोड़ दिया गलती से, और मैं इसको रन कराता हूं, यहां से रन करता है, रन कराता हूं। देखिए यहाँ पर रेड सिंबल दे दिया है ना, और नीचे आप देखिए क्या दे रहा है एरर एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर प्रिंटेफ। तो इस तरह के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं सिंटेक्स एरर। क्या बोलते हैं सिंटेक्स एरर, कि आपने सिंटेक्स जब बता दिया ये प्रोग्रामिंग की सबके लाइन में सेमी कॉलन देना है तो आपको देना होगा। अब हमने दे दिया, अब फिर से मैं इसको रन कराता हूं तो आपको आउटपुट आ जाएगा। देखिए आया आपको वैल्यू इक्वल टू 10। तो ये हो गया क्या सिंटैक्टिकल एरर। क्या हो गया सिंटैक्टिकल एरर, समझ गए। अब कभी जब क्या होता है कि प्रोग्राम रन कर जाता है उसके बाद एरर देता है, कहीं सिंटैक्स में गलती नहीं है, मेरे लॉजिक में गलती है, और मैं आपको दिखा रहा हूं क्या होता है। जैसे किसी भी नंबर्स को जीरो से डिवाइड करते हैं क्या आउटपुट आता है इन्फिनिटी आता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यू बेसिक के छोड़ के अगर किसी भी नंबर्स को जीरो से डिवाइड कीजिएगा तो एरर देता है। क्या देता है एरर देता है, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पर दे रहा हूं, एक वेरिएबल हमने लिया है ए, और एक वेरिएबल ए लिया है, और ए इक्वल टू मैंने डाल दिया 10/5, ठीक है। सेमी कॉलन देंगे क्योंकि देना है सेमी कॉलन, और मैं यहां पर किसको प्रिंट करा रहा हूं ए को प्रिंट करा रहा हूं। आउटपुट आपका आना चाहिए, क्या आना चाहिए आउटपुट 2 आना चाहिए, ठीक है आना चाहिए, ठीक है। वैल्यू इक्वल टू क्या आया 2 आया, आया आज क्या प्रॉब्लम दे रहा है क्या कर दे चलिए वैल्यू इक्वल टू आपको आ गया 2 कंफर्म है। अब यहां पर देखिए जैसे क्या होगा कि एक लाइन और मैं लिखता हूं यहां पर,
जीरो, क्या कर देता हूं, जीरो, टेन बाई जीरो। तो प्रोग्राम में सिंटेक्स में कहीं गलती नहीं है, सिंटेक्स सब सही है, टू के जगह पर मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब इसको मैं रन करा रहा हूं, कुछ आउटपुट दिया तो कहेगा कि सर 10 में डिवाइड जीरो से करेंगे तो कुछ आउटपुट नहीं दिया, तो सही करा, एरर तो नहीं बता रहा है। अब मैं थोड़ा सा यहां बताने जा रहा हूं, एक चीज आप ध्यान देखेंगे, जैसे मैंने किया 10 बाई 2 और यहां पर कर दिया 2f हेलो, ऐसी मैसेज ओके प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया, ओके। अभी मैं 10 बाय 2 कर रहा हूं, आउटपुट देगा वैल्यू इक्वल टू 2 एंड देन क्या देगा, ओके, यही देगा ना, दो प्रिंट यूज किया है। एरर देखिए दे रहा है, तो इसको हम लोग सेमी कॉलन दिए, देखिए छूटता है एरर। अब रन कराएं, सही है, वैल्यू इक्वल टू 5 और क्या दिया, ओके। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर मैं कि जीरो दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, तो ये चीज यहां पर रन करवाते हैं। अभी आपको आउटपुट कुछ नहीं देगा, क्या देगा, कुछ नहीं देगा। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्रोग्राम में तो कहीं पर एरर नहीं है, सिंटैक्टिकल नहीं है, सेमी कॉलन भी दिया, सब चीज भी दिया है। अब ये लॉजिकल एरर है, यानी कि रन टाइम एरर, कि प्रोग्राम रन कर जा रहा है लेकिन आउटपुट सही नहीं दे रहा है। तब ये भी आप कह सकते हैं कि सर आपने बोला कि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कीजिएगा तो नथिंग आउटपुट, कुछ आउटपुट नहीं देता, ठीक है ये आउटपुट नहीं दे, बट ये तो दे, ओके तो दे, क्योंकि एरर आपका यहां पर है ना। तो रन टाइम एरर में क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी रन टाइम एरर अकर होगा, यानी कि मिलेगा, प्रोग्राम का टर्मिनेशन वहीं पर हो जाता है, यानी प्रोग्राम वहीं पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ये ड्रॉबैक है। जैसे सपोज कोई नंबर मैंने डिवाइड वाला क्या किया और इसके बाद मेरे पास 1000 लाइन, अब इस एक लाइन के चलते पूरा 1000 लाइन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और ये कह देगा कि तब हम लोग 10 बाई 0 के जगह पर 10 बाई 2 दे दे, तब चल जाएगा। लेकिन हमको 10 बाई 0 करना है और 1000 लाइन को भी एग्जीक्यूट करना है नीचे वाले को, तो इसके लिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। लेकिन किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करना, वो क्या होगा, रन टाइम एरर होगा। किस टाइप का एरर होगा, रन टाइम एरर होगा। हाँ नहीं, सब में ये प्रॉब्लम आएगा, जीरो से क्यू बेसिक में नहीं आया, क्यू बेसिक में इनफिनाइट में, ठीक है सर। इसको फाइंड कैसे करेंगे सर, क्या इसको फाइंड कैसे करेंगे, मान लीजिए कि 1000 वर्ड लिख दिए उसमें पहले ही करेंगे ना, अभी तो बताया, हम तो बता रहे हैं एरर क्या होता है, वो प्रोग्राम बनाएंगे तभी ना करेंगे, ऐसे थोड़े प्रोग्राम समझ में आएंगे, इसमें सारा लाइन का मतलब बताएंगे, यहाँ डायरेक्ट थोड़े हो जाएगा, ठीक है, ओके सर। तो प्रोग्राम बताएंगे तब बताएंगे, सिर्फ एरर बता रहे हैं कि सिंटैक्टिकल यहाँ पर आपको नहीं ना बता रहा है। जैसे आप सेमी कॉलन यहाँ छोड़ देते हो, आपको प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, देखिए यहीं पर एरर बता दिया रेड लाइन और नीचे मैसेज देगा, ठीक है। लेकिन इस केस में जब हम लोग रन कर रहे हैं तब रन कर जा रहा है, देखिए रन करके ब्लैक स्क्रीन भी आ जा रहा है लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा है, दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं और देखते हैं कि क्या है हम लोग को एरर। हाँ जीरो केस में होगा, रन टाइम एरर के लिए ना कुछ फिक्स केसेस है, जीरो केस में सब में नहीं है, कुछ फिक्स केसेस है। तो आइए हम लोग आगे आ गए, ये आ गए आपको रन टाइम एरर, जैसे इसमें बताया गया है डिवीजन बाय जीरो इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ द रन टाइम एरर, ठीक है। अब आते हैं, अगला आता है आपको लिंकर एरर, क्या आता है, कैसे प्रोग्राम आपका बहुत सारे फंक्शन दिए रहेंगे, म्यूट करो, सारे लोग फंक्शन दिए रहेंगे, जैसे बहुत लोग एक्सेल पढ़े होंगे तो फंक्शन का मतलब समझे होंगे, हम लोग एक्सेल में फंक्शन पढ़ते हैं ना, जैसे सम फंक्शन का क्या काम है, वैल्यू को ऐड करना, तो फंक्शन के थ्रू होता क्या है, हमारे काम को क्या करता है, आसान करता है, प्री डिफाइंड होता है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर एक चीज जो दिया रहता है, जो प्री डिफाइंड चीजें होती हैं, प्री डिफाइंड चीजें का मतलब क्या, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पहले से बना के दे दिया है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए कोई की नहीं है यहाँ पर ऐसे वाला, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन यूज करते हैं एसक्यूआरटी, क्या करते हैं। अब इसमें ध्यान देना है कि एसक्यूआरटी जिस केस में है उसी केस में लिखना है, ठीक है।
सबसे पहले तो याद रहने कि SQRT अगर दे दिया है लोअर केस में तो आपको किस में लिखना है, लोअर केस में करना है। यानी कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं केस सेंसिटिव। क्या होते हैं? केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब समझते हैं, केस मतलब होता है कैपिटल, अपर केस जिसको कहते हैं, लोअर केस यानी स्मॉल, कुछ होता है टोगल केस, कैपिटल स्मॉल दोनों मिक्स है, कुछ होता है सेंटेंस केस, पूरे सेंटेंस का पहला लेटर क्या होता है कैपिटल, एमएस वर्ड में आपको मिल जाएगा, कुछ होता है आपको क्या टाइटल केस, जो वर्ड का पहला लेटर क्या होता है कैपिटल होता है, क्लियर है। तो आप देखिए, जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं, जैसे यहीं पर आप देख लो कि इंट मैंने सारा स्मॉल में लिखा है और यहां पर इंट मैंने क्या लिख दिया कैपिटल, नहीं चलेगा, ठीक है ना। यानी कि इसको कहते हैं केस सेंसिटिव, एरर दे दिया, इंट तो सही लिखा था, तो ये भी आपको ध्यान देना है। लेकिन आपको राहत की बात यह है कि क्यू बेसिक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। कुछ लैंग्वेज केस सेंसिटिव होते हैं कि जो केस में उसको बता दिया गया है उसी केस में आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। और कुछ लैंग्वेज जो होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, यानी कि इंट आप कैपिटल लिख देंगे तो भी काम चलेगा, इंट आप स्मॉल लिख देंगे तो भी काम चलेगा। तो क्यू बेसिक केस सेंसिटिव नहीं है, यानी एक डर तो खत्म हो गया कि कैपिटल स्मॉल का चक्कर नहीं रहेगा। लेकिन सी लैंग्वेज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, देखिए इंट पे क्या दे दिया, एरर दे। तो यहाँ पर हमको सब चीज सही लग रहा है कि कॉमा सेमी कॉलन दिए हैं, सब लाइन के अंत में सेमी कॉलन दिए हैं, प्रिंट के बाद ब्रैकेट यूज किए हैं, डबल कोट यूज किए हैं, सब चीज यूज किए हैं। लेकिन ये जो दे दिया है ये भी सही लिखे हैं इंट, बट स्पेलिंग गलत है। इस तरह के एरर को कहते हैं हम लोग लिंकर एरर। क्या बोलते हैं? लिंकर एरर। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन सा एरर है। उसके बाद है लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर बहुत सिंपल है। क्या है? तो जैसे सपोज हम लोग यहां पर आपको दिखा रहे हैं, लॉजिक आपने गलत दिया है। क्या दिया है? लॉजिक गलत दिया है। जैसे सपोज मैंने यहां पर लिया ए और यहां पर हम लोग दिए -2, ठीक है, और यहां पर हम लोग लिख दिए एडिशन, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा आउटपुट आए कितना 12। तो और यहां पर आ गया आपको क्या, पहले तो इंट सुधार लेते हैं, आई स्मॉल कर लेते हैं, यहां पर आ गया 8। तो कहिए अरे ये कैसे हो गया? तो डेट इज लॉजिकल, यानी कि प्रोग्राम का जो लॉजिक आपने बिल्ड किया है, बनाया है, वो लॉजिक ही क्या है, गलत है। यानी कि ये रन तो कर जाएगा लेकिन आपके अनुसार आउटपुट नहीं देगा। तो यहां तो सिंपल लग रहा है, जैसे हम कहेंगे कि कोई नंबर लो और उसको रिवर्स करो, रिवर्स मतलब उल्टा, यानी कि 325 लो और इसको 523 करो, 325 को उल्टा क्या हो जाएगा। अब आ गया आपको कुछ उटपटांग, आउटपुट आया, रन कर गया और आउटपुट भी आया, बट आप जो चाह रहे थे वो नहीं आया। तो कहीं ना कहीं जो आप सोचे हैं उसको बनाने के लिए सिंटेक्स सही लिखा है, सब चीज सही लिखा है, बट लॉजिक क्या लिखा है, गलत। वैल्यू ऐड करना होगा तो आपके दिमाग में आ गया कि ऐड कर दिया, कहीं ऐड किया होगा तो ये करना होगा। तो इस तरह के एरर को क्या कहते हैं, लॉजिक एरर। समझ गए? एंड लास्ट इज, नहीं यार इतना आसान होता तो कोई भी सिस्टम पर जाएगा, रिवर्स लिख देने से रिवर्स होगा। भी देखो ना, भी प्रोग्राम आएगा तो बताया जाएगा, है ना, तब तो कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ लेता है कि रिवर्स लिख दिया रिवर्स हो गया, है ना। वो रिवर्स करने में ना वो लगता है कि 523 को कितना, 523 को 325 कराया, तो उसके लिए 10 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। अभी तो यहीं पर है ना हम लोग। अब आता है एक सिमेंटिक एरर। क्या होता है? सिमेंटिक एरर। तो सिमेंटिक एरर यहां पर देख लीजिए, जैसे ए और बी में दो में वैल्यू आप देख रहे हैं 10 एंड 13। अब ऑब्वियसली हम लोग सी इक्वस टू ए प्लस बी लिखेंगे, ये लिखेंगे ना। लेकिन कभी जब आप लिख देते हैं ए प्लस बी इक्वस टू सी, तो इस तरह के एरर को क्या बोलते हैं, सिमेंटिक एरर। ध्यान रहिए कि इक्वल टू सिंबल के लेफ्ट साइड में, इक्वल टू सिंबल के जब भी इक्वल टू यूज होगा दो वैल्यू होगा, एक हो गया एल वैल्यू लेफ्ट साइड और एक होता है आर वैल्यू, जिसको हम लोग एल वैल्यू और आर वैल्यू भी कहते हैं। तो एल वैल्यू में कितने वेरिएबल होना चाहिए, एक ही, कभी भी इक्वल टू के लेफ्ट में एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ये कॉपी नहीं है कि कुछ भी लिख देंगे काम चल जाएगा। और आर वैल्यू में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये सब आपका एरर्स है, जिसमें सबसे ज्यादा आपका एरर कौन होगा, तो सबसे ज्यादा एरर होगा सिंटैक्टिकल, कहीं कॉमा छोड़ दीजिएगा, है ना, प्रिंट एफ में, है ना, ये सब छोड़ दीजिएगा, सेमी कॉलन छोड़ दीजिएगा,
और एक लॉजिकल तो होगा ही, तो लॉजिकल तो सबसे होगा, क्योंकि लॉजिकल तभी होगा जब प्रैक्टिस करेंगे, तभी ना आपको लॉजिक डेवलप होगा। तो ये क्या है, एरर्स है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट आता है आपको प्रोग्रामिंग अप्रोच। प्रोग्रामिंग अप्रोच में है दो टाइप का अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, अब समझना है कि टॉप डाउन क्या है और बॉटम अप क्या है। मैंने पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी प्रोग्राम्स को हम लोग, बड़े लार्ज प्रोग्राम्स को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग सब प्रोग्राम्स करते हैं। और क्यों कहते हैं बता दिए थे, प्रोग्राम को डिवाइड करने का पर्पस क्या होता है कि हम लोग को उस पर वर्क करने में, उस पर बनाने में आपको क्या हो, आसान हो। ठीक है, तो दो तरह के अप्रोच अपनाते हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन अप्रोच में पहले हम लोग लार्ज प्रोग्राम सोचते हैं, उसके बाद यानी पहले लार्ज प्रोग्राम को एक बना दिया और उसको बाद उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या किया, डिजाइन किया। तो डेट इज ए टॉप डाउन, यानी कि ये देखिए इस सिंबल से आप पकड़िए, ये टॉप डाउन है। पहले मेन फोकस करते हैं कि काम क्या है और उस काम के आधार पर हम लोग उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो डेट इज कॉल्ड टॉप डाउन। और बॉटम अप में करते क्या है कि पहले हम लोग छोटे छोटे पार्ट को इंडिविजुअली क्या कर दिए, डेवलप कर दिए और उसके बाद उसको मिलाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम अप, कि पहले लोअर लेवल के काम को कर लिया और उसके बाद उसको मिला के एक प्रोग्राम बनाया। तो ये दोनों क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करते हैं, यानी कि पहले प्रोग्राम बनाएंगे उसके बाद तोड़ेंगे फंक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया टॉप डाउन। और इसमें हो गया कि पहले ही फंक्शन बना दिया, सम फंक्शन, एड फंक्शन, ये सम हो गया, सब हो गया मतलब सब्ट्रैक्शन, डिव हो गया डिविजन, और मल्ट हो गया मल्टीप्लीकेशन, ये बना दिए और फिर इसको कंबाइन करेंगे, अब ये क्या हो जाएगा, बॉटम अप हो जाएगा। तो ये दोनों अप्रोच हम लोग प्रोग्राम के समय रखेंगे। और सबसे अच्छा अप्रोच होता है आपको टॉप डाउन। क्या होता है अप्रोच, नहीं कर लिए प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं, तो दिमाग में आ गया कैलकुलेटर का बना रहे हैं और कैलकुलेटर में हमको कौन कौन चीजें जरूरी होगा। सर कोई माइक ऑन रखे हुए है सर, टॉप डाउन है। ठीक है सर, किसी का माइक से साउंड आ रहा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमेशा बॉटम अप फॉलो होता है, तो देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कैसे बॉटम अप फॉलो होता है। क्लियर है, आइए इधर। तो इसको आपको पढ़ लेना है, इन दिस अप्रोच द प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। समझ रहे हैं, इट इज जनरली यूज्ड बाय स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। टॉप डाउन किस में होता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में, जैसे सी में, कोबोल में, फोर्ट्रॉन में, बेसिक में, ये सब में टॉप डाउन अप्रोच है। इट मे हैव रिडंडेंसी सिंस एवरी पार्ट ऑफ द कोड इज डेवलप्ड सेपरेटली। रिडंडेंसी वर्ड का मतलब समझते हैं, डुप्लीकेसी, कुछ वर्ड आपको नया नया मिलते जाएगा तो आपको याद कर लेना है। रिडंडेंसी मतलब होता है डुप्लीकेसी, कि एक ही चीज बार बार आए, है ना, तो उसको कहते हैं। ये ज्यादा डेटाबेस के केस में आता है, एक ही स्टूडेंट के तीन चार जगह रिकॉर्ड है, यानी कि उस डेटाबेस में क्या है, रिडंडेंसी है। क्या है, रिडंडेंसी है, एक ही आदमी को तीन चार बार, एक ही नंबर को तीन चार अलग अलग नाम से सेव किए हो, वो तो आपके मोबाइल में जो फोन है ना उसमें क्या है, आपका रिडंडेंसी है, डुप्लीकेसी है। तो इसमें रिडंडेंसी का चांस होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं टॉप डाउन में, कि कुछ पार्ट अगर डेवलप करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, तो एडिशन वाला पार्ट आपका सब्ट्रैक्शन में भी आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट किसमें कुछ आ जाएगा, एडिशन में भी आ जाएगा। तो इस रिडंडेंसी को हम लोग इस पे खत्म करते हैं, तो बताएंगे कैसे खत्म करेंगे। देयर इज लेस इंट्रैक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द मॉड्यूल्स। मॉड्यूल समझ रहे हैं, वर्ड मतलब समझ रहे हैं ना, कंफ्यूज मत हो। मॉड्यूल मतलब वही छोटा पार्ट में डिवाइड करना भी क्या कहेंगे, मॉड्यूल करेंगे। ठीक है, डीकंपोजिशन अप्रोच इज यूज्ड हियर। डीकंपोजिशन मतलब क्या होता है, तोड़ना, क्या करना, तोड़ना। ऑब्वियसली पहले बड़ा बनाएंगे टॉप डाउन अप्रोच में, उसके बाद उसको क्या करेंगे, डीकंपोज करेंगे। तो यहाँ डीकंपोज होता है, द इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म। अब ये कहना है कि टॉप डाउन अप्रोच कहाँ फॉलो करेंगे, तो वो डिपेंड करेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर, कि कौन लैंग्वेज टॉप डाउन को अप्रोच करता है और कौन लैंग्वेज बॉटम अप।
तो सी में आपको दोनों अप्रोच करता है, टॉप डाउन भी और बॉटम अप, है ना। पाइथन में आपको टॉप डाउन अप्रोच शिफ्ट करेगा, क्या करेगा, सॉरी पाइथन कर रहे हैं, क्यू बेसिक में आपको टॉप डाउन अप्रोच करेगा, तो वो देखेंगे जब प्रोग्राम करेंगे। इट इज जनरली यूज्ड विद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मॉड्यूल। अब जितना भी मॉड्यूल बनाएंगे सबको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, और ये पहले भी बता दिया था कि प्रोग्राम जब आप करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, जरूरी है। जैसे प्रोग्राम को आप चार भाग में क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो वहां लिखिएगा ना कि ये पार्ट किसका है, डॉक्यूमेंट कीजिएगा कि ये पार्ट एडिशन का है, ये पार्ट सब्ट्रैक्शन का है। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ सब्ट्रैक्शन, डिवीजन भी होगा। जैसे हम आपको एक प्रोग्राम देंगे, एक नंबर लीजिए और उसको उल्टा भी कीजिए और उसके सारे डिजिट को जोड़िए, तो कोई बता सकता है कि अगर हम 123 लेंगे तो क्या क्या आउटपुट आना चाहिए, 321 और 6, तो दो काम हुआ ना। तो दोनों काम के लिए आप दो मॉड्यूल बनाएंगे, क्या मॉड्यूल बनाएंगे, और मॉड्यूल बनाएंगे तो अब हम चेक करने जाएंगे तो पता चलेगा ना हमको, आप लिखे रहेंगे कि ये मॉड्यूल इसका है और निचला मॉड्यूल है वो सारे डिजिट को जोड़ने का है, ऊपर वाला मॉड्यूल है वो आपको रिवर्स करने का है। तो ये आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम में करना होगा, जिससे दूसरे लोगों को समझने में क्या होगा, आसानी होगा। तो ये हो गया टॉप डाउन, एंड नेक्स्ट इज बॉटम अप अप्रोच। इन दिस अप्रोच द स्मॉलर प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड, पहले छोटा प्रॉब्लम क्या होता है, सॉल्व होता है, और फिर उसको कनेक्ट करते हैं तो फिर वो हो जाता है एक प्रॉब्लम। तो ये हो गया बॉटम अप में। दिस सॉल्व प्रॉब्लम्स आर इंटीग्रेटेड टू फाइंड द सॉल्यूशन टू ए बिगर प्रॉब्लम, यानी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं और ये प्रॉब्लम छोटा छोटा ये क्या हो जाता है, बिगर प्रॉब्लम, एक साथ मर्ज कर देते तो बिगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता है। तो दैट इज इट इज जनरली यूज्ड विद, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपका क्या बॉटम अप अप्रोच करता है, वो देखेंगे उप्स पढ़ेंगे तो C++, जावा, पाइथन, ये सब आपका आएगा, VB.NET। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है सर, क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बता दिए बाबू कहाँ रहता है, क्लास के शुरू में ही बताए थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। और फिर बिना डॉक्यूमेंटेशन का सर प्रोग्राम रन नहीं करेगा क्या, बिना डॉक्यूमेंटेशन का सर प्रोग्राम रन नहीं करेगा, बिना डॉक्यूमेंटेशन का एकदम प्रॉब्लम रन करेगा, प्रोग्राम रन करेगा बिना डॉक्यूमेंटेशन में। हमने क्या बोला था कि डॉक्यूमेंटेशन को प्रोग्राम से मतलब नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन से फायदा यह हो गया कि बाद में अगर आप प्रोग्राम को चेक करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा मॉड्यूल्स, कौन सा फंक्शन किसके लिए बनाए हैं, है ना। घर बना आप, अच्छा ठीक है, आप घर में समान चीजें रखते हो आप, है ना, तो डॉक्यूमेंटेशन करते हो ना, फॉलो करते हो ना कि भाई ये रैक किसके लिए है, ये अलमीरा किसके लिए है, ये बॉक्स किसके लिए है, उससे आपको क्या होता है प्रॉब्लम, चीजों को मेंटेन करने में क्या होता है, आसानी होता है जी सर, ठीक है। डेटा इनकैप्सुलेशन हाइडिंग ये समझ में नहीं आएगा, डेटा इनकैप्सुलेशन अभी समझ में नहीं आएगा तो इसको मैं ओमिट करता हूँ इस पॉइंट को। इट इज जनरली यूज्ड इन टेस्टिंग मॉड्यूल, किस मॉड्यूल में यूज होता है, टेस्टिंग कब होता है, डीबगिंग, ठीक है। कंपोजिशन अप्रोच इज यूज्ड हियर, वहां पर होता था डीकम्पोजिशन, यहाँ पर पहले ही बनाएंगे छोटा छोटा मॉड्यूल तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपोजिशन। बाकी आपको प्रैक्टिकली आपको जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएंगे तब बनाएंगे, ठीक है। अभी जब तक लैब आपका लैब है तो लैब में वर्ड की प्रैक्टिस करना है, किसकी प्रैक्टिस करना है, वर्ड की प्रैक्टिस करना है, और डॉस लैब नहीं है, रूटीन में मांग लेना लैब, ठीक है, नहीं होता है सर, लैब होता ही नहीं है सर, हमेशा बंद कर देते हैं। अच्छा ठीक है, बात कर लेना, अभी इसको समझाने की बात मत, सर लैब होता भी है, प्रोग्रामिंग टूल्स, क्या आता है, प्रोग्रामिंग टूल्स, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड एंड सोर्स कोड, ठीक है। बेसिकली दो ही तरीके हैं यहाँ पर, स्यूडो कोड एंड सोर्स कोड। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, स्यूडो कोड मतलब क्या होता है, स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स, क्या है, फॉल्स, और एक है सोर्स कोड। जैसे होता क्या है कि आपको बी क्वाइट, आप अगर कोडिंग लिखेंगे और कोडिंग क्या करेंगे, रन कराएंगे। अभी जो मैं यहाँ पर कोडिंग लिखा हूं, यहाँ पर जो आपको रन करा के दिखाया, ये है आपको सोर्स कोड, ओरिजिनल कोड है, जिसको लिख कर और आउटपुट भी हम लोग देख रहे हैं। तो जो भी आप कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे, चाहे क्यूबेसिक में करेंगे या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे,
उस कोड को लिखने के बाद एग्जीक्यूट कराने के बाद जो आउटपुट आएगा वो हो गया आपको सोर्स कोड यानी ओरिजिनल कोड। स्यूडो कोड क्या होता है कि वो फॉल्स कोड है, वो एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट समझते हैं वर्ड, यानी कि वो प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा उस चीज को हम लोग लिखते हैं। और रफ वर्क, वेरी गुड, रफ वर्क क्या कह सकते हैं, रफ वर्क। स्यूडो कोड मतलब रफ वर्क। और रफ वर्क करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जनरली कॉपी का यूज करेंगे, कंप्यूटर का भी यूज कर सकते हैं, बट एमएस वर्ड खोल के और क्या करेंगे, टाइप कर देंगे। जैसे हम कभी जभी नोटपैड खोलकर समझाने लगते हैं कि यहाँ पर नोटपैड लिखते हैं और यहाँ पर हमने लिखा कि दो नंबर को जोड़ने के लिए पहले एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, जैसे नोटपैड लिखा और ऐसे लिखते थे ए इक्वस टू 10, बी इक्वस टू 20 और सी इक्वस टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ये हो गया सूडो कोड, यानी कि ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, ये आपको रफ वर्क करके क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। तो स्यूडो कोड में ही आपका आ जाता है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। क्या आ जाता है, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट आ जाता है। अब ये क्या होगा कि स्यूडो कोड में हम लोग ऑब्वियसली कॉपी पर लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, कॉपी पर। कॉपी पर लिखेंगे तो रन तो नहीं करेगा। तो आप कहिएगा कि सर कुछ भी अगर हमको काम करना है तो हम कैसे भी स्यूडो कोड लिख लें, लेकिन कैसे भी आप नहीं लिख सकते, है ना। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो आप घर का एक बताया भी थे कि अगर आपको बिल्डिंग बनाना है तो सबसे पहले आप नक्शा डिजाइन करवाते हो, है ना। अब नक्शा में कुछ भी तो नहीं कि गोला गोला खाली खींच देंगे कि ये घर रहेगा गोला, ये ड्रॉइंग रूम रहेगा गोला, ये तो नहीं ना चलेगा ऐसे ऐसे, कि वो तो रफ वर्क हो गया। तो यहाँ पर भी एक क्राइटेरिया होता है, तब तो आर्किटेक्ट कोई भी बन जाएगा, गोला गोला खाली खींच देगा। तो आर्किटेक्ट लोग उस क्राइटेरिया पढ़ता है, हर एक में हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिंबल्स। हर एक सिंबल्स का मीनिंग होता है, वो देखते ही प्रोग्राम का जो कोडर होगा उस देखते ही समझ जाएगा कि कहाँ पर हमको क्या करना है, इनपुट लेना है यहाँ पर, वो देखते ही सिंबल से समझ जाएगा। ऐसे नहीं कि गोला लिख के लिखते हैं कि इनपुट ले लो यहाँ पर, फिर गोला दिख दे आउटपुट ले लो, ऐसे नहीं चलेगा। हर एक काम का तीन काम तो होगा ही, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ठीक है। तो हर एक जो भी टास्क होंगे सबके लिए यहाँ पर क्या होगा, सिंबल्स होगा। क्या होगा, सिंबल्स होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, ठीक है, और इस पर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट थोड़ा लंबा चलेगा, इस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो एल्गोरिथम हमको कोई एक जन बताएगा उठ के कि एल्गोरिथम हमने पहले भी डिफाइन कर चुका है, तुम बताओ, रखे वो छुट्टी पर, हाँ बताओ खड़ा होके, हाँ हाँ तुम्ही को बोल रहे, व्हाट इज एल्गोरिथम, पहले भी मैंने बताया है। नहीं 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 तुम यार खड़ा हो, बताओ व्हाट इज एल्गोरिथम,